बसमीम् असलैक्म डी स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर ऑफ़ियत से हैं आपको ऑपरेशन सर्च की क्लास में वेलकम हमारा टॉपिक चल रहा है जी बाउंड वेरिएबल सिम्पलक्स मेथड के ऊपर जिसे आप अपर बाउंड टेक्निक भी बोलते हैं आज के लेक्चर में मैं आ, एक क्वेश्चन आपका जो लास्ट टाइम पंजाब यूनिवर्सिटी में स्प्रिंग 2023 में पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन था आपका हां दिए ताहा की एग्जाम्पल नंबर 7.3.1 है क्वेश्चन ये है कहते जी के सॉल्व फॉलोइंग एलपी मॉडल बाय दी अपर बाउंडिंग एल्गोरिदम बाउंड वेरिएबल सिंपलक्स मेथड का ही क्वेश्चन है ये तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है मैं इससे पहले बाउंड वेरिएबल सिंपलक्स मेथड क्या है बाउंड्रेड वेरिएबल सिंप्लेक्स मेथड और रेगुलर सिंप्लेक्स मेथड में क्या फर्क है लोअर uh, बाउंड और अपर बाउंड जो है उसका कंसेप्ट क्या है सिंप्लेक्स uh, मेथड का जो बाउंड्रेड वेरिएबल सिंप्लेक्स मेथड का जो एल्गोरिदम है इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कशन कर चुका हूँ इसके अलावा मेरा लेक्चर नंबर एट जो है उसमें भी मैंने बाउंड्रेड वेरिएबल सिंप्लक्स मेथड के ऊपर एक प्रॉब्लम uh, जो है वो डिस्कस की है तो आज के लेक्चर में ये एक uh, कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है मीन टू से इसमें तमाम जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं तो क्वेश्चन कुछ इस तरह कहता है कहते हैं जी कि आपने मैक्सिमाइज़ करना है अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन थ्री एक्स वन प्लस फाइव वाई प्लस टू एक्स थ्री को सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट आपको ये दो कॉन्स्टेंट दे दिए गए हैं और नीचे यहाँ पर जो इक्वालिटीज लिखी गई हैं जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स वन एक्स वन लेस टू फोर सेवन लेस टू वाई वाई लेस टू जीरो टू एक्स थ्री एक्स थ्री लेस टू थ्री ये जो तो तीनों इक्वालिटी हैं ये कराती हैं बाउंड्स ठीक है ये बाउंड आपको दिए हुए हैं जैसे कि यहां पर आपका ये जो इनक्वालिटी है जो जीरो से स्टार्ट हो रही है इसका लोअर बाउंड जीरो है अपर बाउंड फोर है ये वाला जो वाई वाला है इसमें लोअर बाउंड सेवन है अपर बाउंड आपका टेन है इन द सिमिलर वे एक्स थ्री में आपका लोअर बाउंड जीरो है और अपर बाउंड थ्री है बाउंडेड वेरिएबल सिंपलेक्स मेथड में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपको ये जो बाउंड दिए हुए हैं इनमें कौन सा बाउंड ऐसा है जो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा आपकी यानी कौन सी इनक्वालिटी ऐसी है जो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही तो इसमें सेंटर वाला जो वाई वाला है आप देखें ये स्टार्ट हो रहा है जीरो से तो सबसे पहले आपने इसको चेंज करना है इसको जीरो से स्टार्ट करना है उसकी वजह ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि जब आपने बाउंड्रेड वेरिएबल सिंपलेक्स मैथड से क्वेश्चन को सोल्व करना है तो सिंपलेक्स मैथड जैसे कि आप जानते हैं कि उसमें नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन होती है यानी आपका जो वेरिएबल है उसका जो आपके पास लोअर बाउंड है वो जीरो से स्टार्ट होना चाहिए तो इसमें इसलिए यहाँ पर आपका जो नंबर है वो ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहिए तो मैंने लिखा जी वी कैन सी डैट इन दी लेस सेन इक्वल टू वाई वाई लेसन इक्वल टू टेन लोअर बाउंड इज़ नॉट जीरो यहाँ पर ये यह जीरो नहीं है अब इसको जीरो बनाने के लिए सिंपल सा आसान सा तरीका कार मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ तो वो तरीका तरीकाकार ये है कि आपने यहाँ पर सेवन की जगह ज़ीरो लेके आना है तो मैंने क्या लिखा सो बाई सब्ट्रैक्टिंग सेवन फ्राम ईच पार्ट हर हर जगह पर सेवन को माइनस करते हैं हर इसे में तो ये हो गया सेवन माइनस सेवन लेस देन इक्वल टू वाई माइनस सेवन लेस देन इक्वल टू टेन माइनस सेवन यानी कि ये तीन पार्ट हैं सेवन वाई टेन इन तीनों में तीनों जगहों पर आपने सेवन को सबट्रैक्ट कर दिया अब ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये सेवन माइनस सेवन जीरो आ गया ये आ गया वाई माइनस सेवन और टेन माइनस सेवन थ्री आ गया आपके पास अब आपका देखें यहाँ पर लोअर पार्ट जीरो हो गया अब ये जो दरमियान वाला है वाई माइनस सेवन इसको हम सब्सिट्यूट कर लेते हैं एक न्यू वेरिएबल एक्स टू से एक्स टू से कर लें वाई डाई से कर लें मैंने एक्स टू से इसलिए किया है कि हमारे पास आप क्वेश्चन में गौर करें कि एक्स वन मौजूद है एक्स थ्री मौजूद है x2 नहीं है तो मैंने अपनी ज़रा आसानी के लिए सिमेट्री के लिए देखिए क्वेश्चन में सेम सिमिलैरिटी नजर आए तो मैंने इसका नाम वाई एक्स टू रख लिया है आप इसे वाई डैश भी कह सकते हैं ठीक है तो सेंटर वाले पार्ट को एक्स टू कह दिया और जबकि आपका यहाँ पर वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा अच्छा जी अब आपके पास ये हो गया जी जीरोसन इक्ल टू एक्स टू एक्स टू लेस देन इक्वल टू थ्री ठीक है तो ये मेरे पास जो वाई वाला कॉन्स्टेंट था अब वो एक्स टू में बदल चुका है और उसमें एक्स टू की जो मिनिमम वैल्यू है जीरो है और मैक्सिमम वैल्यू थ्री है यानी लोअर बाउंड एक्स टू का ज़ीरो हो गया और अपर बाउंड थ्री हो गया तो अब मेरा एक्स टू जो है वो जीरो से स्टार्ट हो गया अब यहाँ पर करना ये होगा हमने कि हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे ये जो आपने सेंटर वाले पार्ट को एक्स टू रखा है इसको अब आप जो है यहाँ पर सेवन को इधर शिफ्ट कर देंगे यादेगा वाई जी गुड सेवन प्लस एक्स टू इन दी गिवन प्रॉब्लम अपने दी हुई प्रॉब्लम में जहां जहां पर वाई है वहां पर आप सेवन प्लस एक्स टू को सब्सिट्यूट कर दें अच्छा जी यहाँ पर ये जो चीज़ है थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लें आप एक्स टू इक्वल मैंने लिखा वाई माइनस सेवन के वेयर ये तो चीज़ ठीक होगी ना इसकी जगह का एक्स टू लिख दिया ये वाला जो हिस्सा है या तो इसको आप लिखें ना इधर और अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो एक्चुअली ये एक्स टू की वैल्यू होगी जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी जो जीरो जीरो से ज़ीरो या जीरो से बड़ा है लेकिन जबकि आपका ये वाई नहीं आना चाहिए दूसरे हाथ में क्योंकि आपका वाई जो है वो जीरो से जीरो या जीरो से बड़ा नहीं जीरो से बड़ा तो है लेकिन जीरो नहीं है आपका वाई सेवन से स्टार्ट हो रहा है मीन तो से ये ये नहीं लिखना आपने ये गलत है अच्छा अब आपने करना ये है यहाँ पर वाई दिक्वल टू सेवन प्लस एक्स टू है इसको आप अपनी प्रॉब्लम में जहाँ जहाँ पर वाई है वहाँ वहाँ पर सब्सिट्यूट करें तो मैं सबसे पहले इसे अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सब्सिट्यूट कर रहा हूँ मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था थ्री एक्स वन प्लस फाइव यहाँ पर वाई था तो वाई की जगह लिख दिया सेवन प्लस एक्स टू आगे लिख दिया प्लस टू एक्स थ्री फाइव को तो मल्टीप्लाई करते आएगा फाइव सेवन 35 और उस थर्टी फाइव तो को मैंने जेड डैश कह दिया बाकी जो बचेगा वो आएगा थ्री एक्स वन फाइव एक्स टू प्लस टू एक्स थ्री ठीक है तो मेरा नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया जेड डैश जो कि जेड माइनस थर्टी फाइव के बराबर है जो कि थ्री एक्स वन प्लस, प्लस है। तो मेरे न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तीन वेरिएबल जो इन्वॉल्व है वो है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जबकि पुराने वाले ऑब्जेक्टिव फंक्शन था एक्स वन वाई और एक्स थ्री ठीक है उसके बाद मेरा जो पहला कॉन्स्टेंट था वो था एक्स वन प्लस यहाँ पर वाई था तो वाई की जगह मैंने लिख दिया सेवन प्लस एक्स टू प्लस टू एक्स थ्री लेसदेन इक्वल टू फोर्टीन इसको साथ ही यहाँ पर चले इसको यहाँ पर फिलहाल हम वन कह देते हैं टू पर डिवाइड करवा दिया मैंने यहाँ पर ये यह यहाँ पर सॉरी टू पर नहीं डिवाइड है मैंने यहाँ पर ये यह सेवन को दूसरी तरफ माइनस कर दिया ये आगे एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस टू एक्स थ्री लेसन इक्वल टू सेवन सेकेंड कॉन्स्टेंट है मेरा टू एक्स वन प्लस फोर वाई तो वाई की जगह पुट कर दिया सेवन प्लस एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री टू फोर्टी थ्री इस फोर को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं फोर सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट को दूसरी तरफ जाकर माइनस देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा टू एक्स वन प्लस फोर एक्स टू प्लस थ्री एक्स इक्वल टू फिफ्टीन जब फोर्टी थ्री में से आप माइनस करेंगे ट्वेंटी एट को फिफ्टीन रह जाएगा ठीक है तो ये मेरे पास दोनों कांस्टेंट आ गए और इन दोनों कांस्टेंट के साथ ही साथ के साथ यहाँ पर जो x1, x2 के बाउंड है वो अभी इस तरह है आपका एक्स वन तो जीरो से स्टार्ट हो रहा था वो तो एज इट इज़ है तो नया वेरिएबल आपने एक्स टू बनाया था वो आ गया जीरोसन इक्वल इक्व टू थ्री वो कहाँ से आया ये यहाँ पर था ये जो हमने सारा स्टेप किया है और तीसरा वेरिएबल एक्स थ्री वो भी एज इट इज़ था अब आपने अगला काम बिल्कुल वही करना है जो आप रेगुलर सिम्पलेक्स मेथड में करते हैं यानी कि अपनी गिवन प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे अपनी प्रॉब्लम में स्लैग वेरिएबल जो है वो आप यहाँ पर ऐड करने होंगे क्योंकि आपके यहाँ पर दोनों कॉन्स्टेंट जो हैं वो लेस देन इक्वल के साइन के साथ हैं आप देखें यहाँ पर जो कॉन्सटेंट वन है यहाँ पर भी लेस देन इक्वल है और जो आपका कॉन्सटेंट टू है ये वाला इसमें भी लेस देन इक्वल साइन है तो आपने अपने दोनों कॉन्स्टेंट्स में स्लैग वेरिएबल एस वन और एस टू एड कर लिए बाई एडिंग स्लैग वेरिएबल एस वन एंड एस टू इन वन एंड टू वी है आपका जो पहली इक्वेशन बन जाएगी वो आ जाएगी एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस टू एक्स थ्री प्लस एस वन ये लेस देन इक्वल था तो सेवन आ गया इसे मैंने क्वेश्चन थ्री कह दिया और दूसरा कॉन्सटेंट आपके सामने ये लिखा हुआ है टू एक्स वन प्लस फोर एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री यहाँ पर सेकंड स्लैक वेरिएबल प्लस टू ऐड किया और लेस देन इक्वल का जो साइन है वो इक्वल में बदल दिया तो ये आपके पास आ जाएगा अब इसके बाद आप जानते हैं यहाँ पर मैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सोलूशन मालूम करना है उसके लिए एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इसको जीरो के इक्वल पुट किया इन तीनों को जीरो के इक्वल पुट किया तो यहाँ से एस वन की वैल्यू सेवन आ गई यहाँ से एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री को जीरो के इक्वल पुट किया तो एस टू की वैल्यू पंद्रह आ गई अब ये हमारे पास यहाँ पर ये यह जो एस वन और एस टू है इसका मतलब ये कौन दोनों कौन है दीज आर दी बेसिक वेरिएबल्स ये दोनों बेसिक वेरिएबल्स हैं अब इन दोनों बेसिक वेरिएबल्स के लिए आपने यहाँ पर एक लाइन लिखनी है जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी वो आपने ये लिखनी है कि इन दोनों बेसिक वेरिएबल्स के लिए कोई भी आ, अपर बाउंड जो है वो एसोसिएट नहीं है यानी कि उसकी वैल्यू वे, आपको गिवन नहीं है जैसे यहाँ पर देखें ना आपके पास एक्स वन का अपर बाउंड फोर है एक्स टू का अपरबाउंड थ्री है एक्स थ्री का अपरबाउंड थ्री है ठीक है एस वन और एस टू जो बेसिक वेरिएबल वैल्यू इनकी अपर बाउंड की वैल्यू गिवन नहीं है तो फिर इस मेथड में हम इनकी अपर बाउंड की वैल्यू इन्फिनिटी एज्यूम करते हैं अदरवाइज अनटिल के आपको कोई वैल्यू खुद ना दे दे ठीक है हम यहां पर एज्यूम करेंगे एज देर इज नो अपर बाउंड वैल्यू एसोसिएटेड विथ एस वन एंड एस टू सो लेट देअ अपर बाउंड वैल्यू इज इनफिनिटी वो आप लिख लीजिएगा अपर बाउंड वैल्यू इज इन्फिनिटी देखिए अब आपने सबसे पहले इनिशियल बेसिक सिंपल स्टेबल बनाना है आप जानते हैं ये कैसे बनाते हैं सबसे टॉप रो में आप लिखेंगे सीजे सीजे मीन ये रो है आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कॉफिशंट्स की आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा ये जो नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया आपने जेड डैश तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का एक्स वन का कॉप्शन थ्री है सॉरी ये नीचे एक्स टू का एक्स थ्री का कॉप्शन टू है तो ये आ जाएगा थ्री फाइव टू तो यही यहां पर पर मैंने लिखा थ्री फाइव टू और वेरिएबल कितने हैं यहां पर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और दो वेरिएबल जो आपके हैं स्लैक वेरिएबल एस वन और एस टू एस वन और एस टू के ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कॉप्शन जीरो जीरो होते हैं ये हमने यहां पर जीरो जीरो लिख लिया है उसके बाद सी जे के नीचे हम बनाते हैं बेसिस बेसिस के नीचे लिखते हैं बेसिक वेरिएबल्स वो एस वन और एस टू आ गए ऊपर ये जो तो, टोटल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल गिवन होंगे पांच वेरिएबल हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एस वन एस टू ये लिख लिए आगे आ गया आपकी कॉन्स्टेंट साइड या सोल्यूशन कॉलम जो होता है जिसे आप बी से डिनोट करते हैं एस वन और एस टू इन दोनों के सामने जो नंबर लिखे हैं इक्वल के इस साइड पर वो बी के अंदर लिखने है आपने जैसे यहाँ पर ये सेवन है ये फिफ्टीन है ये आपने लिख लिया इसके बाद इतना काम करने के बाद आगे आपने यहां पर निकाली रेशो ये जो यू आई माइनस बी आई लिखा है ये फिल वक्त आप अभी ना निकालें ठीक है मतलब तो ये वाला टे, इस टेबल में आप इसको ना निकालें मैं अभी आपको बताऊंगा जब आपने ये निकालना होगा ठीक है अच्छा जी बेसिस के पीछे आप निकालें सी बी सी बी मीन बेसिक वेरिएबल के कॉफिशंट्स

एस वन का वन और एस टू उसमें मौजूद नहीं है पहले पहली, पहले यहाँ पर देखें ना पहली क्वेश्चन में एस टू में नहीं है तो उसका कॉप्शन क्या हो जाएगा जीरो आगे आ गया बी तो बी मैंने आपको बताया कि सेवन है उसके सामने ये ए रहा ठीक है अच्छा जी इसके बाद आगे, आगे आपके पास जनाब मोहतरम एस टू एस टू के लिए सेकेंड इसको पकड़ेंगे x1 का कॉप्शन टू x2 का कॉप्शन फोर x3 का कॉप्शन थ्री इसमें एक्स मौजूद नहीं है वो जीरो हो जाएगा वन और टू का कॉप्शन वन आ जाएगा और b की कीमत पंद्रह ये तमाम की तमाम वैल्यूज तो आपने यहाँ पर लिख दी ये लिखने के बाद आगे आपने निकालना है जी जे रो जी डैश जी डैश क्यों लिखा है? क्योंकि आपका नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन जी डैश से मैंने यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट किया है तो जी डैश रो कैसे आएगी जीरो इंटू वन ये वाला जीरो और ये वाला नंबर वन जीरो इन वन जीरो जीरो टू जीरो जीरो प्लस जीरो जीरो आ गया इसी तरह जीरो इंटू वन जीरो जीरो फोर जीरो जीरो आ गया जीरो इंटू टू जीरो जीरो इन थ्री जीरो आ गया ये तमाम मल्टीप्लाई करके सारा जीरो आ जाएंगे ये हम तमाम चीज़ें प्रीवियस अपने लेक्चर में जानते हैं आगे आप निकालते हैं सी जे माइनस जी 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 डैश जीरो कैसे निकलेगी जो टॉप रो है उसमें से जी डैश जीरो को माइनस करते जाएंगे थ्री माइनस जीरो थ्री फाइव माइनस जीरो फाइव टू माइनस जीरो टू जीरो माइनस जीरो 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 माइनस जीरो जीरो नीचे लिखा यू जे कहलाता है यहां पर अपर बाउंड वैल्यूज एक्स वन की अपर बाउंड वैल्यू फोर है ये यहां पर ये देखें जो थे इस मैक्सिमम का फोर है, है. एक्स वन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है फोर है एक्स टू की मैक्सिमम वैल्यू थ्री है तो ये जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं दीज रिप्रेजेंट दी अपर बाउंड ठीक है तो यहाँ पर एक्स वन के नीचे उसका अपर बाउंड फोर एक्स टू के अपर बाउंड थ्री एक्स थ्री के नीचे उसका अपर बाउंड थ्री ठीक हो गई बात ये अच्छा एस वन और एस टू के अपर गिवन नहीं थे तो ये यह यहाँ पर मैंने लिखा है कि उनके अपर माउंड ऑफ इनफिनिटी ज्यूम करते हैं हमेशा ये इफिनिटी इनफिनिटी आ गया अब ये टेबल नंबर वन बन बनाने के बाद अब आपने देखना ये है कि क्या आपको जो सोल्यून है वो ऑप्टीमल सोल्यूशन मिल गया है या नहीं मिला तो आपने देखा कि यहाँ पर ये, जो, जो ये वाली जो रो है सी जे माइनस जी डैश जी रो इसमें आपके पास ये जो तमाम एंट्रीज हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हैं यानी कुछ जीरो हैं कुछ ग्रेटर देन जीरो हैं तो ये प्रॉब्लम हमारी है मैक्सिमाइजेशन की

अब लिविंग वेरिएबल मालूम करने के लिए आप यहां पर मालूम करते हैं रेशो तो रेशो कैसे मालूम करते हैं जरा देखिएगा ये बिल्कुल वही है जो आपका सिंपलेक्स मेथड में रेशो मालूम करते थे ये जो बी वाला नंबर है इसको आपने पिवट जो कॉलम है उसके नंबर पर डिवाइड करना है सेवन ओवर वन सेवन फिफ्टीन ओवर फोर फिफ्टीन बाई फोर ये अभी नहीं बनाना आपने ठीक है अब इन दोनों में से जो मिनिमम नंबर है वो कौन सा है मिनिमम नंबर जारी सी बात है 15 4 है तो ये आपके पास थ्री पॉइंट सेवन फाइव अप्रोक्सीमेट आ जाएगा थ्री पॉइंट फाइव सॉरी तो इन दोनों में से मिनिमम नंबर ये है ये मिनिमम नंबर है तो अब अगर आप रेगुलर सिम्प्लक्स मेथड करते हैं तो उसमें सिंपल ये होता है कि मिनिमम के सामने जो वेरिएबल एस टू है ये लिविंग वेरिएबल हो जाता है इसको उड़ा देते इसकी जगह हम क्या करते थे एक्स टू लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना बाउंड्रेड वेरिएबल सिम्पलक्स मैथड में ऐसा नहीं होता बाउंड्रेड वेरिएबल सिम्प्लस मैथड में जनाब मोहतरम आपने सबसे पहले ये रेशो रे, रे रे निकाल तो ली है यहाँ पर हम असल में तीन चीज़ें निकालते हैं उसके बाद फैसला करते हैं कि लिविंग वेरिएबल कौन सा है सिर्फ इस तरह नहीं है कि ये इसका सामने रेशो देखी तो इसको उड़ा दिया अब कुछ यहां से पढ़ लेते हैं जरा अच्छा जी नेक्स्ट तो यहां पर आप देखें सिंस दी मोस्ट पॉजिटिव क्वानिटी इज सी टू माइनस जी टू डैश इक्वल टू फाइव जो कि ये है सो एक्स टू इज एंटरिंग वेरिएबल टू फाइंड लिविंग वेरिएबल वी फाइंड यहां पर लिविंग वेरिएबल फाइंड करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि सिर्फ ये खाली आपने रेशो ये, ये मालूम कर लेनी आपने यहाँ पर तीन चीज़ें मालूम करनी होती हैं पहली है थीटा वन थीटा टू यू टू यू टू कौन है ये अपर बाउंड ऑफ एक्स टू का मैंने यू टू ही क्यों मालूम किया है यू वन या यू थ्री या कोई और क्यों नहीं मालूम किया आपका जो एंट्रिंग वेरिएबल है वो एक्स टू है एक्स टू बीवड कॉलम है ना हमारा यहाँ पर ये यह एक्स टू तो एक्स टू का जो ऑपोजिट होगा ना वेरिएबल यू टू एक्स टू के ऑपोजिट जो होगा आप यू टू वो जो वो यहाँ पर मालूम करेंगे यू टू इज़ अपर बाउंड ऑफ एक्स टू ठीक है अगर मेरा बीवर्ड कॉलम एक्स वन होता तो मैं यू वन लिखता है यहाँ पर अच्छा थीटा वन थीटा वन कौन है थीटा वन में मालूम कर चुका हूँ एक्चुअली ये जो तो रेशो होती है इस रेशो में जो तो मिनिमम नंबर है फिफ्टीन फाई फोर यही मेरा थीटा वन है ठीक है अब रहेगी दो चीज़ें थीटा टू और यू टू यू टू कौन है यू टू है एक्स टू का अपर बाउंड वो भी मैंने मालूम कर लिया वो यहाँ पर थ्री लिखा हुआ है ये नीचे ठीक है अब मेरे पास सिर्फ एक चीज रहेगी थीटा टू थीटा टू मालूम करने के लिए बेटा आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखनी होती है कि आपके पास ये जो पीवर्ड कॉलम है वो है एक्स टू एक्स टू में दो नंबर हैं एक एस वन और एस टू दो वेरिएबल ये यहाँ पर दो नंबर है वन और और के के सामने वन और S2 के सामने आपने देखना है क्या ये दोनों नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हैं जी बिल्कुल ये ग्रेटर दैन जीरो है, पॉजिटिव हैं जीरो भी हो तब भी चलेगा लेकिन ये नेगेटिव नहीं है फिल वक्त कहने का मकसद ये कि दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अगर आपके पीवट कॉलम में ये नीचे वाली रोज की नहीं बात कर रहा मैं ये जहाँ पर बेसिक वेरिएबल लिखने हैं इनके सामने आपने नंबर देखने हैं ये वन और फोर अगर ये दोनों ग्रेटर देन जीरो हैं अगर जीरो भी होगा तब भी काम चल जाएगा वो भी कोई मसला नहीं है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए तो फिर आपने याद रखना है कि मेषा जो हमारा जो थीटा टू होगा वो इन्फिनिटी लेते हैं ये इस मेथड की मेथड की टेक्निक है ये ये मैं अपनी तरफ से थीटा टू को इन्फिनिटी नहीं ले रहा ये ऐसे ही होता है सही है अच्छा तो यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं हेयर थीटा वन फिफ्टीन बाई फोर यानी जो मिनिमम निकाली थी पहले हमने शुरू में सिंस ऑल एंट्रीज इन एक्स टू एक्स टू गोन प्यवर्ड कॉलम में क्योंकि x2 की तमाम एंट्रीज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो हैं सो थीटा टू इन्फिनिटी होगा एंड u2 u2 यू टू अपर बाउंड एक्स थ्री का x2 का सॉरी वो थ्री है ये तीनों चीजें मालूम होगी तीनों चीजें मालूम करने के बाद फर्दर हेयर हमने एक और चीज मालूम करनी है थीटा और थीटा क्या है इन तीनों का मिनिमम है थीटा वन थीटा टू यू टू का मिनिमम थीटा वन की कीमत फिफ्टीन बाई फोर आ गई थीटा टू इन्फिनिटी है यू टू की कीमत थ्री आ गई इन तीनों का मिनिमम देखने कौन है इन दोनों का तीनों का मिनिमम थ्री है और थ्री किसकी वैल्यू थी यू टू की ठीक है तो इसका मतलब मेरा जो थीटा है ये यू टू के बराबर आ गया अब मैं ये तमाम चीजें बाउंडेड वेरिएबल सिंपल के मेथड का जो वैल्यू दे उसमें तमाम चीजें बता के आया हूं अगर आपका थीटा यू टू के बराबर आता है तो फिर आपने क्या करना है हमेशा सब्सिट्यूशन करनी है ठीक है और सब्सिट्यूशन करने के बाद अपना बेसिक वेरिएबल अभी बेसिस चेंज नहीं होगी बात को गौर से सुनिएगा थीटा जब यू टू के बराबर आ जाए यू टू आ जाए यू वन आ जाए यू थ्री आ जाए या यू फोर जो भी अगर होगा यू यू होने चाहिए अगर ये थीटा इनके बराबर आ जाता है तो फिर आपने हमेशा एक सब्जीट्यूशन करनी है और अभी बेसिस चेंज नहीं करनी ठीक है सो है? वो सब्सिट्यूट एक्स टू एट इट्स अपर बाउंड डिफरेंस ये लाइन लिखनी है और एक्स टू को इससे बदल देना है एक्स टू बराबर है थ्री माइनस एक्स टू डैश ये कैसे मैंने? X2 लिखा मैंने एक्स टू का अपर बाउंड लिखा एक्स टू का अपर बाउंड लिखा वो थ्री है उसमें से एक्सटू का एक नया वेरिएबल इसी का डैश मैंने माइनस कर दिया लाजमी नहीं कि एक्स टू डैश ही माइनस करना है आप कोई और नया वेरिएबल रख सकते हैं एक्स थ्री डैश रख लें वाई टू डैश रख लें वाई फोर कोई भी रख सकते हैं आप तो मैंने एक्स टू में से इसका अपर बाउंड माइनस इसका जो डैश है वो माइनस कर दिया आगे साथ एक लाइन लिखी बट रेमेन नॉन बेसिक रेमेन नॉन बेसिक का मतलब यह है कि अभी ये बेसिस में नहीं आएगा कौन बेसिस में नहीं आएगा देखो रेगुलर सिंपलेक्स मैसेड में होता ही था रेगुलर सिंपलेक्स मेथड का जब आप क्वेश्चन करते थे ना तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वहां पर सिर्फ डिसीजन लेते हैं हम ये वाली रेशो से थीटा वन जो कि थीटा वन रेशो है यहाँ पर फिफ्टीन बाई फोर होता ये मिनिमम रेशो एस टू को मैं उड़ा देता यहाँ से नए टेबल में एक्स टू आ जाता लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है भाई बाउंड वेरिएबल सिंपलेक्स मेथड में ऐसा नहीं है अभी ये नंबर सॉरी uh, अभी ये वेरिएबल एस वन और एस टू अगले टेबल में वैसे ही नजर आएंगे आपको सही है हाँ एक नया वेरिएबल एक्स टू डैश ऐड हो जाएगा एक्स टू की जगह सही है तो अब ये देखें नया काम है वो ये है कि आपने अपना पुराना ऑब्जेक्टिव फंक्शन फिर उसमें x2 की जगह नया ये वाले सिचुएशन कर रही है जिसने शुरू में की थी थ्री माइनस एक्स टू डैश ठीक है कोई बात ये अच्छा और दूसरी बात ये है कि x2 टू डैश की वैल्यूज कहां से कहां तक होंगी देखो जी आपका x2 टू बराबर है थ्री माइनस एक्स टू है और आपका x2 टू लाई कर रहा था इसके दरमियान जीरो मुझे एक्स टू डैश की वैल्यू चाहिए तो एक्स टू डैश को अगर आप इधर लें तो यहाँ से एक्स टू डैश की वैल्यू कितनी आएगी एक्स टू डैश आएगा हमारे पास थ्री माइनस एक्स टू अब आप गौर करें जब एक्स टू जीरो होगा यहाँ पर एक्स टू हम जीरो पुट करेंगे थ्री माइनस जीरो तो ये थ्री आ जाएगा यानी एक्स टू डैश कीमत आएगी थ्री जब मैं एक्स टू की कीमत तीन पुट करूंगा यहाँ पर तो एक्स टू डैश की कीमत आएगी थ्री माइनस थ्री विच इज इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब आपका एक्स टू डैश जो है वो जीरो से थ्री के दरमियान लाई करेगा सही है अच्छा द प्रॉब्लम बिकम्स अब आपकी प्रॉब्लम नई प्रॉब्लम कुछ इस तरह बन जाएगी पहले मैं देखूंगा आपका पुराना ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा फंक्शन जेड डैश वाला है वो ये वाला ये जो है आ, ये थ्री एक्स वन प्लस इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x2 की जगह आपने थ्री माइनस एक्स टू डैश लिखना है और इसके अलावा जहां जहां पर आपके ये कॉन्स्टेंट्स से ये वाले ये क्योंकि अभी इनको कुछ भी नहीं किया हमने ये एक टेबल बनाया है टेबल में कोई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन नहीं लगाई कुछ भी नहीं चेंज किया तो इसलिए आपने इनमें एक्स थ्री की जगह सॉरी एक्स टू की जगह थ्री माइनस एक्स टू डैश लिखना है किस में थ्री और फोर क्वेश्चन में सही है अच्छा जी चले जी मेरा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जेड डैश क्या था थ्री एक्स वन प्लस फाइव एक्स टू प्लस टू, प्लस टू, प्लस टू एक्स थ्री तो इसमें एक्स टू की जगह लिख दिया थ्री माइनस एक्स टू डैश इसको आप फाइव के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें थ्री एक्स वन प्लस ये फाइव माइनस एक्स टू आ जाएगा ये पाँच थी पंद्रह पंद्रह को मैं इधर ले गया इधर लिखा हुआ था वेरिएबल जेड डैश देखो जी नया मैंने वेरिएबल लिया था जेड डैश के पीछे ये सही है ना तो इस जेड डैश में ये वाला जो फिफ्टी होगा कॉन्स्टेंट उसको उधर ले जाएंगे आप सही है एक स्टेप में डायरेक्ट कर गया हूँ पहले मल्टीप्लाई करवा लें बाद में ले जाए तो छोटे छोटे स्टेप आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन क्योंकि में तो पहले बहुत लेंथी है अच्छा जी ये उसके बाद फाइव को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया गया माइनस फाइव एक्स टू डे और ये आ गया टू एक्स थ्री अब ये जो डैश माइनस फिफ्टीन है इसको मैंने बदल के फिर एक नया वेरिएबल रख लिया जैड डबल डैश आप इसका नाम डब्ल्यू रख लें आप इसका नाम वी रख लें वो कोई मसला नहीं है अगर आपको डैश लगाना अच्छा नहीं लगता प्राइम लगाना अच्छा नहीं लगता है तो आप इनका नाम वी डब्ल्यू ए कुछ और जो मर्जी आप रख सकते हैं इस मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को स्टार कह दिया आगे चलें सब्जेक्ट टू द दानसेंट अब मेरा पहला जो कॉन्सेंट था पीछे आपने गौर से देखा क्वेश्चन नंबर थ्री में यहाँ पर लिखा हुआ था थ्री एक्स टू तो थ्री एक्स टू था तो वहाँ पर मैंने उसकी जगह लिख दिया सॉरी थ्री एक्स टू कह रहा हूँ यहाँ पर एक्स टू लिखा हुआ था तो एक्स टू की जगह लिख दिया मैंने ये जो सब्सिट्यूशन की है एक्स टू की जगह थ्री माइनस एक्स टू देखें मैं दोबारा फिर आपको दिखा रहा हूँ ये मेरे दो कांस्टेंट है थ्री और फोर इसमें यहां पर लिखा एक्स टू तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ थ्री माइनस एक्स टू यहाँ पर लिखा फोर एक्स टू तो यहाँ पर भी मैं लिखूंगा थ्री माइनस एक्स टू ठीक है अच्छा जी तो ये जनाब मोहतरम बेटा आपके पास आ गया एक्स वन थ्री माइनस एक्स टू प्लस टू एक्स थ्री प्लस एस वन इक्वल टू सेवन इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं यहाँ एक्स वन माइनस एक्स टू डैश प्लस टू एक्स थ्री प्लस एस वन ये जो तो थ्री उधर तो जाएगा माइनस हो जाएगा सेवन माइनस फोर सेवन माइनस थ्री फोर आ जाएगा फाइव कह दें सेकेंड कॉन्स्टेंट फ्राम फोर फोर जो दूसरा कॉन्स्टेंट था लास्ट पेज पर वो है टू एक्स वन प्लस फोर एक्स टू तो एक्स टू की जगह क्या लिखे थ्री माइनस एक्स टू डैश प्लस थ्री एक्स थ्री प्लस टू इक्वल टू फिफ्टीन ये फोर को अंदर मट भी लगी या फोर थे इधर माइनस कर दिया पंद्रह माइनस बारह तीन आ गया ये रह गया माइनस फोर एक्स टू थ्री एक्स थ्री प्लस टू थ्री ये आ गया सिक्स अब मेरे पास सब्स्टिट्यूशन करने के बाद तीन चीजें स्टार फाइव सिक्स ये तीन तीनों की तीनों की मदद मतलब से मैं नया टेबल दोबारा बना रहा हूँ अब मेरे पास जो नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें देखें नए वेरिएबल कौन कौन से हैं वेरिएश है एक्स थ्री है, है, है सही है और दो स्लैक वेरिएबल एस वन और एस अब मैं नया वेरिएबल दोबारा बना रहा हूँ ले बेटा न्यू सिंपलेक्स टेबल फ्रॉम स्टार फाइव सिक्स वी हैव टेबल नंबर टॉप रो में बेसिस में यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन से हैं एक्स वन एक्स टू डैश एक्स टू की जगह नया वेरिएबल वेरिएस वन एस टू आ गया यहां जो बेसिक वेरिएबल थे टेबल नंबर में और थे मैंने आपको बताया था कि वो अभी चेंज नहीं होंगे आपका जब भी थीटा मैंने आपको पहले भी एल्गोरिथम में बता चुका हूं जब भी थीटा किसी यू के बराबर आएगा तो फिर आप बेसिस नहीं चेंज करेंगे थीटा अगर थीटा वन और थीटा टू के बराबर आए तो फिर सिचुएशन कुछ हो रहा है अभी फिलहाल आगे यू के बराबर आया अच्छा जी तो ये वेरिएबल चेंज नहीं हुए

वो जीरो जीरो है वो जीरो जीरो, जीरो आ गए अब ये नंबर कहाँ से लिखे हैं मैंने वन माइनस वन टू वन जीरो ये कहाँ से लिखे हैं की क्यों नीचे फोर ये यहाँ से लिखे हैं जी हमने क्वेश्चन नंबर फाइव देखें आप इसमें एक्स वन का कॉप्शन वन है एक्स टू डैश का कॉप्शन माइनस वन है ये एक्स थ्री का टू और एस वन का क्वेश्चन वन है एस टू मौजूद नहीं है तो जीरो और ये फोर आ गया तो यही तमाम नंबर मैंने इधर लिख दिए सारे वन माइनस वन टू वन जीरो फोर आगे एस टू ये वाले नंबर कहाँ से लिखे हैं ये जो नीचे क्वेश्चन थी क्वेश्चन नंबर सिक्स इसके नंबर जो इसके कॉफिशेंट है सारे वो यहां पर ले दिए मैंने ठीक होगी बात ये। अब उसके बाद आ, आ आगे आप जानते हैं कि आपने निकालना है जी डैश डबल जे ठीक है क्योंकि मेरा वेरिएबल का नाम जी डबल डैश है तो जी डबल डैश जे आएगा अगर जी डैश तो था तो जी डैश आ जाएगा अगर जी खाली था तो जी आ जाएगा अगर आपने इसका नाम डब्ल्यू रखा तो डब्ल्यू लिख लें अब ये निकालना कैसे आप जानते हैं इनको अब मल्टीप्लाई करते रहेंगे जीरो इंटू वन जीरो जीरो इंटो टू जीरो जीरो आ गया जीरो माइनस वन जीरो जीरो इन माइनस फोर जीरो, जीरो जीरो आ गया ये तमाम करने के बाद ये सारे के सारे जीरो आ गए आगे आपने टॉप टॉप रो में से जी रो को माइनस किया थ्री माइनस जीरो थ्री माइनस फाइव माइनस माइनस फाइव माइनस जीरो माइनस फाइव टू माइनस जीरो टू जीरो माइनस जीरो 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 माइनस जीरो जीरो आ गया अब आप निकालेंगे अपर बाउंड अपर बाउंड कैसे निकालते हैं एक्स वन का अपर बाउंड फोर X2 का अपर बाउंड क्वेश्चन में है का अपर, तो गिवन है, है. X2 X2 का अपर ये यहां पर हमने निकाला हम लेके चल रहे हैं सही हो गया ये चीज हो गई अब इसके बाद आपने देखना है कि जो लास्ट रोसी माइनस डी डबल डैश ये हुआ है इसमें देखना है कितने एलिमेंट्स क्या तमाम के तमाम एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू जीरो आ गए हैं नहीं जी ये सिर्फ एक लेस दे ने, यही नेगेटिव आया है बाकी ये दोनों अभी पॉजिटिव हैं थ्री और टू अब इन दोनों में से मोस्ट पॉजिटिव कौन सा है मोस्ट पॉजिटिव ये है मोस्ट पॉजिटिव का मतलब जो बड़ा है पॉजिटिव में वो थ्री है अब थ्री के ऊपर वेरिएबल कौन सा है एक्स वन है अभी एक्स वन इसका मतलब हमारा एंट्रिंग वेरिएबल हो सकता है ठीक है अब लिविंग वेरिएबल मालूम करने के लिए आगे मालूम करेंगे रेशो रेशो मालूम कर कैसे करते हैं बी के नंबर को पीव कॉलम के नंबर पर डिवाइड करना है आपने फोर ओवर वन फोर थ्री ओवर टू 1.5 सही है अच्छा अब अगला ये अब आप आपको बनाने की जरूरत नहीं अभी इसको छोड़ दें सही है अब आपने नेक्स्ट जनाब मोहतरम यहाँ पर मालूम करना है वही थीटा वन थीटा टू और यू हेयर फ्रॉम टेबल नंबर टू सी वन माइनस जी वन डबल डैश यानी जो पहला नंबर है इक्वल टू थ्री इज द मोस्ट पॉजिटिव सो एक्स वन इज एन एंट्रिंग वेरिएबल हेयर थीटा वन थीटा वन इज लीस्ट दैट इज देश

आगे चीज निकालनी है यू वन यू वन क्यों निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरा इस वक्त कॉलम है तो के ऑपोजिट आएगा अपर बाउंड ऑफ एक्स वन तो एक्स वन का बाउंड कौन है एक्स वन का बाउंड ये फोर है ठीक है जी तो यहां पर आपके पास एक्स वन का बाउंड फोर है तो ये मैंने थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक कर दी यहां पर आएगा फोर ठीक है तो एक्स वन का बाउंड फोर आ गया तो यहां पर भी अब थीटा वन की जगह वन पॉइंट फाइव थीटा टू इनफिनिटी आ बाउंड फोर आ गया अब इन तीनों में से मिनिमम उठाना है आपने इन तीनों का मिनिमम कौन है 1.5 1.5 1.5 और वैल्यू किसकी है थीटा वन की थीटाज इक्वल टू तो थीटा वन आ गया पिछले मरतबा थीटा जो था वो यू के बराबर था इस मरतबा थीटा आ गया थीटा वन के बराबर आ अब आप सुन लें जब आपका थीटा थीटा वन के बराबर आएगा तो अब बेसिस चेंज हो जाएंगी सब्जीट्यूशन कोई नहीं करेंगे देर विल बी नो सब्जी इन दिस केस वी ओनली द बेसिस ठीक है जब आपके पास थीटा यू के बराबर आया था हमने की थी बेसिस चेंज नहीं की थी whenever our theta is equal to u then we will not change our basis we just substitute when our theta is equal to theta1 then we will change the basis by using elementary operations also apply and when theta is equal to theta2 we will work both we will change basis as well as we will substitute

एंड एंट्रक्स वन इन देश और दूसरी अगली चीज ये है कि हम यहाँ पर बाकी वही बिल्कुल रो ओपरेशन लगाएंगे जिस तरह uh, हम रेगुलर सिंप्लेक्स मैथड में करते थे हेयर की और प्यवेट एलिमेंट इज टू आपका प्यवेट एलिमेंट यहाँ पर यह टू है इसको हम वन uh, बनाएंगे यूनिटी बनाने के बाद इसको ऊपर वाले नंबर को जीरो करेंगे रो परेशन लगाएंगे ठीक है तो ये वाला सारा काम मैंने यहाँ पर लिखा है सो हेयर की और पी वी एट एलिमेंट इज टू वी मेक इट यूनिटी एंड ऑल अदर एलिमेंट एक्स वन कॉलम इक्वल टू जीरो अच्छा जी ये बनाने के बाद मेरा जो नया टेबल आ गया वो रो प्रेशन आई होप के आप लगा सकते हैं ठीक है रोप्रेशन आपको बदलने आती है अब यहां पर देखो मैंने दो काम किए दो काम कह रहा हूँ ये एक दो तो बेसिस चेंज कर दी है दूसरी रो प्रेशन लगा दिए रो प्रेशन लगाने के बाद मेरे पास जो नई मतलब रो प्रेशन लगाने के बाद जो नए आपके पास नंबर आ जाएंगे ये सारे आ जाएंगे यहां पर देखिये जी मैंने एस टू लिखा था एस टू की जगह ये वाला वेरिएबल एक्स वन एंटर हो गया ऊपर वाला जो आपका स्लैक वेरिएबल है एस वन वो वैसे के वैसे ही है रो ऑपरेशन लगाइए रो ऑपरेशन कैसे लगानी है आप जानते हैं कि यहाँ पर ये टू है इसको वन बनाना है तो पूरी रो को मैं टू पर डिवाइड कर दूंगा मेरी रो ऑपरेशन लगेगी एस टू डिवाइडेड बाई टू ठीक है सेकेंड रो को टू पर डिवाइड कर दिया ये वन बन जाएगा उसके बाद उसको वन बनाना है ऊपर वाले को जीरो करना है एस वन का तो रो ऑपरेशन लगेगी आर वन फर्स्ट रो माइनस सेकेंड रो चाहिए क्योंकि यहाँ पर वन बन चुका होगा तो वन माइनस वन है ये दोनों रो ऑपरेशन लगाने के बाद आपके पास ये दो नई दो नई रो आएंगे वो ये आ जाएंगे पहली रो जीरोन वन, वन बाई टू फाइव बाई टू, टू ये आ गया इसी तरह यहां पर नीचा देगा वन माइनस टू, टू थ्री बाय टू जीरो पर आ गया ये जो मैंने ब्रैकेट से ब्रैकेट की है अभी ये आ, बाद में करनी है आपने सही है आपने तो ये रो ऑपरेशन लगाई होगी उसके बाद यहां पर एस वन कोफिशिएंट जीरो नया मेरी बल एक्स वन एंटर हो गया एक्स वन का थ्री है तो थ्री आ गया सही है मैं फिर बता रहा हूं कि ऊपर वाले वेरिएबल कोई चेंज नहीं हुए वो तो बेसिस है वो तो चेंज होते नहीं है ये जो सारे ऊपर है ये तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कॉफिश हैं ये नहीं चेंज होना है ये जब चेंज होंगे जब सब्सिट्यूशन होगी तो सब्सिट्यूशन तो मैंने की नहीं मैंने तो सिर्फ आपके पास ये जो बेसिस है इसको चेंज किया है ठीक है और रो ऑपरेशन लगाई है ये जो तो आखिरी कॉलम है यहां पर यू आई माइनस बी आई हाँ इसकी अभी देखते हैं जरूरत पड़ती है, है कि नहीं पड़ती लेकिन ये बाद में फैसला किया जाता है सबसे पहले अब आपने देखना है कि क्या हमें ऑप्टिकल सल्यूशन मिल गया ऑप्टिकल सोलूशन मालूम करने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले आप निकालते हैं जी डबल डैश दे रहे हो देखो जी ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी सॉल्व की हुई हैं मतलब तो इसलिए आपने ये नहीं देखना कि यार ये कैसे बना लिया है रेशो वगैरह आपने यहाँ तक टेबल बनाया पहले अब ये रेशो और ये दूसरा कॉलम है ये बाद में बनाना पड़ता है पहले सबसे पहले निकालना नीचे वाली रो को ये निकालना कैसे जीरो 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 थ्री इंटू वन थ्री आ गया जीरो इंटू वन जीरो थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स आ गया जीरो इंटू वन बाई टू जीरो थ्री इंटू थ्री नाइन बाई टू जीरो इंटू वन जीरो नाइन इंटू जो थ्री इंटू जीरो 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 माइनस वन बाई टू जीरो थ्री इंटू वन बाई टू थ्री बाई टू थ्री थ्री नाइन नाइन बाई टू जीरो आ गया ये मेरे पास जी डबल डैश टॉप रो में से इसको माइनस कर देते थ्री माइनस थ्री जीरो माइनस फाइव प्लस सिक्स बन जाएगा वन जाएगा टू माइनस नाइन बाई टू माइनस फाइव बाई टू आ जाएगा जीरो माइनस जीरो जीरो आ गया जीरो माइनस थ्री बाई टू आ गया ये जो रो है सी जे माइनस जी डबल डैश ए क्या इसका तमाम नंबर लेसू टू जीरो आ चुके हैं नहीं अभी भी एक नंबर मौजूद है ये वाला वन जिसकी वजह से ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको नहीं मिला अब आपने नीचे अपर अपरमाउंड लिखे अपर अपरमाउंड वही है एक्स वन का अपर माउंड फोर ही है एक्स टू डेश का अपरमाउंड थ्री है एक्स थ्री का परमाउंड थ्री है एस वन और एस टू का परमाउंडी इनफिनिटी है आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिला ऑप्टिमल सोलूशन नहीं मिला तो फिर अब आपने अब आपने रेशो निकाल दिए अब देखो जी रेशो कैसे निकालते हैं रेशो का आपको आपका पीवर कॉलम कौन सा है आप बातों को गौर से समझने आप काम थोड़ा सा मुश्किल है आपका जो मोस्ट नेगेटिव मोस्ट पॉजिटिव नंबर है वो इस वक्त वन है ये दोनों नेगेटिव हो गए ये दोनों जीरो हैं ये रह गया पॉजिटिव ये इसके ऊपर कॉलम कौन सा है वेरिएबल एक्स टू डैश है तो मेरे पास अब आपने बी के नंबर्स को इस पर डिवाइड करना एक्स टू डैश के नंबर्स पर फाइव बाई टू को वन पर डिवाइड किया फाइव बाई टू देखो ये पॉजिटिव है थ्री बाय टू को माइनस टू पर डिवाइड नहीं करना क्योंकि ये नेगेटिव है आप जानते हैं कि आपने रेगुलर सिंप्लेक्स मेथड में क्या किया था जब भी आप रेशो निकालते थे तो नेगेटिव नंबर या नेगेटिव नंबर हो तब भी डिवाइड नहीं करते थे अगर जीरो होता तो तब भी डिवाइड नहीं करते थे मिसाल के तौर तो पर यहाँ पर जीरो लिखा होता तो थ्री बाई टू को जीरो पर डिवाइड करके इन्फिनिटी आता है तो इसका मतलब आपको सिर्फ ए की रेशियो यहाँ निकालने की जरूरत है ये आ आगे हाँ, अब ये वाले जो दोनों नंबर हैं ये यहां पर जरूरत आएगी जब भी आपके पास x2 टू डैश पीवर्ड कॉलम में x2 टू डैश नहीं पीव कॉलम में पीवर्ड कॉलम में नेगेटिव नंबर आ जाएं तो फिर आप यहां पर थीटा टू को इन्फिनिटी नहीं लेंगे अब बहुत तो से चीजों को समझ रहे हैं सबसे पहले तो मैंने यहाँ लिखा एज हेयर मोस्ट पॉजिटिव नंबर इन सी जे माइनस जी डबल इज सी टू माइनस जी टू डबल डैश यानी ये वाला नंबर मोस्ट पॉजिटिव है जो कि वन है सो एक्स टू द बेसिस

तो फिर थीटा टू निकालने के लिए आपने हमेशा फार्मूला लगाना है ठीक है अब फार्मूला कैसे लगाते हैं वो ज़रा गौर से सुनिएगा देखो जी आपने यहाँ पर ये ये चीज़ निकालनी है यू आई माइनस बी आई डिवाइडेड बाय ये वाला फार्मूला है ये देखो यू आई माइनस बी आई माइनस ये पिवट एलिमेंट ना लिखें एलिमेंट्स ऑफ पिवट कॉलम ये लिखेंगे आप ठीक है अब तो आपको ये बीच में यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है आप यहाँ पर एक ये टे, ये टेबल कॉलम आखिरी बना दें कैसे बनाना है ज़रा सुनिएगा गौर से सुनिएगा चीज़ों को आपने सबसे पहले थीटा टू सिर्फ उन वैल्यूज़ के लिए निकालेंगे जहां पर आपका पीव पीवड कॉलम में नेगेटिव नंबर पड़ा हुआ है तो आपका पीवड कॉलम में नेगेटिव नंबर ये है सेकंड बस इसके लिए थीटा टू निकलेगा सही है मैं अपने लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से बता के आया हूँ तीनों किस्म की टाइप्स कि जब आपके पास पीवड कॉलम में तमाम एंट्रीज पॉजिटिव हैं जब तमाम नेगेटिव हैं जब सम पॉजिटिव सम नेगेटिव हैं आप उस लेक्चर को अगर आप देख लेंगे तो आपको ये तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है थीटा टू निकालना है मैंने कैसे निकालना है और से सोचना ये नेगेटिव नंबर है माइनस टू लिखूंगा इसमें से माइनस कर दूंगा इसके सामने बी की वैल्यू को बी की वैल्यू कितनी है सॉरी यार ये गलती हो गई माइनस टू नहीं लिखना माइनस टू माइनस टू है माइनस टू इसके सामने है एक्स वन के सामने तो वन का अपर बाउंड लिखना है सॉरी यहाँ पर पीवर्ट कॉलम में जाए पीवर्ट कॉलम में देखें निगेटिव नंबर कहाँ है यह माइनस टू माइनस टू के सामने कौन सा वेरियबल है एक्स वन रो वाइस एक्स वन एक्स वन का अपर बाउंड कौन है एक्स वन का अपर बाउंड ये नीचे पड़ा हुआ है फोर ये देखें सही है तो यहाँ पर मैं थीटा टू निकालूंगा इस तरीके से फोर ये फोर आ गया माइनस इसके सामने बी की वैल्यू कितनी है थ्री बाई टू डिड बाय माइनस फार्मूले का ये फार्मूले का माइनस है अब जो नेगेटिव नंबर था पीवर्ड ये जो इसमें था पीवर्ड कॉलम में वो कौन है माइनस टू है वो यहाँ पर लिखेंगे इसको अब आप सॉल्व कर लेंगे ये मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है ये वन पॉइंट टू फाइव आ जाएगा corresponding टू एक्स वन सही है ये मेरा थीटा टू निकालने का तरीका कार है यहाँ पर थीटा टू को इन्फिनिटी नहीं लेंगे हम जब कुछ नेगेटिव एंट्रीज हों कुछ पॉजिटिव आ जाए तो फिर थीटा टू आप इस फार्मूले से निकालते हैं मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप मेरा लास्ट लेक्चर लाजमन देख लें उसमें आप देख लेंगे तो तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसलिए थोड़ी सी कंजूसी ना कि करें कि यार बस देखने को दिल नहीं कर रहा वो फिर आपकी मर्जी है आगे आपने निकालना है जनाब मोहतरम यू टू यू निकाल रहा हूँ मेरा कॉलम है एक्स टू तो एक्स टू डैश के सामने यू टू अपर बाउंड ऑफ एक्स टू डैश डेट इज़ थ्री तो वो मेरे पास आ गया यू टू थ्री आ गया ले जी लास्ट में मुझे थीटा निकालना है थीटा का इन तीनों का मिनिमम है थीटा वन थीटा टू यू टू थीटा वन की कीमत फाइव बाई टू वो कहाँ से ये देखो ये निकालिए रेशो में फाइव बाई टू सही है दो तो नंबर हैं यार उनमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है जो पॉजिटिव है वो थीटा वन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा जो नेगेटिव है थीटा टू की वैल्यू के लिए आ जाएगा बस सिंपल सी बात है अगर इसमें दो से ज़्यादा वैल्यूज हो चार पांच हो पीवर्ड कॉलम में तो फिर मैं फिर बता रहा हूँ कि आप लास्ट वाला लेक्चर देख देखने तो अच्छा जी अब थीटा वन की कीमत फाइव बाई टू थीटा टू की कीमत वन पॉइंट टू फाइव आ गई ये यहाँ से और यू टू की कीमत थ्री है अब इन तीनों में से जो मिनिमम नंबर है वो वन पॉइंट टू फाइव है जो कि क्या है थीटा टू की कीमत को रिप्रेजेंट कर रहा है लो जी इस हमारा थीटा जो है वो थीटा टू के बराबर आ गया तीनों तरह के केसेज इस क्वेश्चन में डिस्कस हुए हैं

बेसिस छोड़ेगा और इसके साथ साथ उससे पहले पहले हम सब्सिट्यूशन भी करेंगे एक्स वन को बदल देंगे फोर माइनस एक्स टू वन डैश से एंड एक्स टू डैश विल एंटर दूर और सुनिएगा दोनों काम कर रहे हैं एक दो इसको बेसिस से हटा देना है इसकी जगह नया वेरिएबल कौन सा है ये जो पीवर्ड कॉलम में वेरिएबल था एक्स टू डैश वो आ जाएगा एक्स टू डैश दूसरा काम आपने ये करना है कि इसकी सब्जीट्यूशन भी कर देनी है सही है तो ये मैंने सब्जीट्यूशन किससे करनी है एक्स वन की किस तरह करनी है एक्स वन का अपर बाउंड लिखना है अपर बाउंड कौन एक्स वन का एक्स वन का अपर बाउंड जनाब ये फोर है uh, ये रहा देख लें आप एक्स वन का अपर बाउंड फोर है तो so इसकी सब्जी कर देनी है एक्स वन डैश की अब जो रेंज आएगी वो जीरो आ जाएगी uh, लो जी सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा था ये था मेरे पास एक्स टू डबल डैश सॉरी डबल ये स्टार डबल डैश था माइनस फाइव एक्स टू डैश प्लस टू एक्स थ्री इसमें एक्स वन की जगह आपने फोर माइनस एक्स वन डैश पुट कर देना है ठीक है जहां जहां पर एक्स वन है सो ये ये पहले काम करना है ये आ गया थ्री एक्स वन एक्स वन की जगह आ गया फोर माइनस एक्स वन डैश माइनस फाइव एक्स टू प्लस टू एक्स थ्री ये थ्री फोर ट्वेल्व ट्वेल्व को इधर ले आया मैं जेड डबल डैश के साथ माइनस कर दिया इस सारे को मैंने ज़े, ज़े ट्रिपल डैश कह दिया ये आ गया माइनस थ्री एक्स वन माइनस फाइव एक्स टू डैश प्लस टू एक्स थ्री अगली चीज इसको मैंने स्टार डबल स्टार कह दिया फर्दर ड्रॉपिंग एक्स वन एक्स वन को ड्रॉप कर देंगे एंटरिंग एक्स टू डैश एक्स टू डैश को एंटर करेंगे एंड मेक द लीडिंग एलिमेंट ऑफ टेबल नंबर थ्री मेक द लीडिंग एलिमेंट लीडिंग एलिमेंट कौन है माइनस टू ऑफ टेबल नंबर थ्री टू यूनिटी एंड आफ्टर प्लाइंग रो ऑपरेशन बातें गौर सुनिएगा अभी मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कॉफिशन जो वेरिएबल है वो चेंज किए हैं अब अगला काम एक एक टेबल और बनाऊंगा टोटल पांच टेबल बन जाएंगे यहाँ पर ये यह तीसरा टेबल है इस तीसरे टेबल में अब मैं जो काम करने लगा वो ये है ज़रा गौर से दिखेगा यहाँ पर दो ये दो रोज़ हैं एस और एक्स इसमें लीडिंग वेरिएबल माइनस है इस माइनस को मैं बनाऊँगा वन इसके ऊपर वाले वेरिएबल को करूँगा नंबर को करूँगा जीरो यानी रो ऑपरेशन लगाने लगाओ इसको करूंगा वन इसको करूंगा जीरो ये वन कैसे होगा पूरी रो को माइनस टू पर डिवाइड कर दूंगा फिर वन माइनस वन करूंगा तो अगला एक छोटा सा टेबल बनाना है आपने ये रहा टेबल नंबर इसमें मैंने क्या किया है? एक तो लिखा है, एस वन दूसरा लिखा है एक्स टू डैश एक्स टू डैश क्यों लिखा है मैंने आपको बताया ये मेरा पिवट कॉलम है इसकी जगह इस इसको लिखना है यानी ये हट जाएगा लिविंग से बेसिस से इसकी जगह ये एंटर कर दूंगा पीछे ये सारे अभी नहीं लिखा मैंने इस टेबल में देखे मैंने अभी पीछे कुछ नहीं लिखा मैंने सिर्फ बेसिस लिखी है और रो ऑपरेशन लगाई है सही है ये असल में आपका असल टेबल जो है वो टेबल नंबर फोर है बीच में जो फाइनल टेबल है ये टेबल डायरेक्ट आपको समझ नहीं आएगा इसलिए बीच में ये आप टेबल एक छोटा सा बना लें पहले ठीक है फिर इसको और जो बीच में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है दोनों चीज़ों को इन्फॉर्मेशन को मर्ज करके टेबल नंबर फाइव बना लेंगे हम डायरेक्ट टेबल फाइव बनाता तो वो आपको समझ नहीं आना था कभी भी तो आपने क्या करना है सबसे पहले इन दोनों को ऊपर लगानी है रो ऑपरेशन ये माइनस टू को बदल देना है वन से सॉरी इसको वन बनाना है और फिर रो ऑपरेशन लगा के ऊपर वाले को जीरो किया और साथ ही यहाँ पर एक्स वन की जगह आपने नया वेरिएबल एक्स टू डैश है उसको एंटर करना है अब बहुत बातों गौर से समझिएगा ये मुश्किल मुश्किलें चीज़ें एक्स टू डैश आ गया ये आ गया रो ऑपरेशन लगाई ये रो ऑपरेशन लगाने के बाद नए 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 मेरे पास ये आ गए सारे अब अगली बात जरा गौर से समझें मैंने रो ऑपरेशन भी लगा दी है एक्स टू डैश बेसिस वेरिएबल भी आ गए हैं लेकिन लेकिन आपने गौर से देखें कि ऊपर वाला जो वेरिएबल है एक्स वन है एक्स वन डैश नहीं है मैंने यहाँ पर आपका वेरिएबल चेंज नहीं किया आपका नया वेरिएबल कौन सा है एक्स वन की जगह एक्स वन डैश है मैंने सब्स्टिट्यूशन अभी तक सिर्फ की है अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अब इसी की सब्स्टिट्यूशन दोबारा करनी है कॉन्स्टेंट्स में लेकिन कॉन्स्टेंट्स कौन से ये वाले कॉन्स्टेंट नहीं जो यहाँ से हासिल होंगे इनमें नहीं कर देनी कहीं पर या जो पुराने थे पीछे ये वाले जो थे कॉन्स्टेंट आप देख रहे थे इनमें नहीं करनी कॉन्स्टेंट ने आपने यहाँ पर किया ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तब्दीली कॉन्स्टेंट्स यहाँ पर चेंज किए फिर इनकी मदद से एक नया टेबल बनाया टेबल नंबर फोर ये रो ऑपरेशन लगाई इसमें ऊपर वाला वेरिएबल अभी एक्स वन ही है एक्स वन डैश नहीं है सिर्फ मैंने बेसिस चेंज किया अब आप बातों को गौर से समझें मैं टेबल नंबर फोर की रो नंबर टू को कंसिडर कर रहा हूँ उसकी वजह रो वन कंसिडर क्यों नहीं कर रहा था देखिएगा जरा देखें जी टेबल नंबर फ्राम आर टू ऑफ टेबल नंबर फोर वी हैव टेबल नंबर फोर की जो हमारे पास बनती है सेकेंड रो वो है माइनस वन बाई टू उसके ऊपर वेरिएबल एक्स वन माइनस वन बाई टू एक्स वन यहाँ पर कौन है ये किसका कॉफिशंस है एक्स टू का एक्स टू और कॉपिशन कौन है वन है वन इंटू एक्स टू डैश ये आएगा माइनस थ्री बाई फोर ऊपर कौन है एक्स थ्री आ गया यहाँ पर है एस वन एस वन का छोड़ दें इसको एस टू का एस टू तो ये माइनस वन बाई फोर एस टू आ गया इसमें आपने एक्स वन की जगह लिखना है फोर माइनस एक्स वन डैश जहाँ पर एक्स वन है वहाँ पर ये लिख दिया सारा ये लिखने के बाद सारा ये आ गया आपके पास यहाँ पर एक्स वन है वहां पर ये सारा लिख दिया एक्स टू आ गया ये सारा लिखने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद ये एक नया कॉन्स्टेंट बन गया मेरे पास इसे सेवन कह दिया अच्छा अब उसके बाद अच्छा नेक्स्ट बेटा यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि मैंने आर टू को कंसीडर किया टेबल नंबर फोर की आर वन को क्यों नहीं लिखा वो मुझसे गलती हो गई मुझे बोल गया था एक्चुअली uh, uh, हुआ ये कि जो मैं प्रैक्टिस में क्वेश्चन पहले ऑलरेडी कर रहा था उसमें ना यहाँ पर अगर एक्स वन का कोफिशन जीरो हो हमने किस किस को सब्सिट्यूट करना है एक्स वन को सब्सिट्यूट करना है फ़र्ज़ करें यहाँ पर एक्स वन के नीचे ये वाला नंबर जीरो होता तो ज़ीरो होता तो मुझे इसको सब्सिट्यूट सब्सिट्यूशन करने की करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा लाइक एज एक्स वन का कोपिशन यहाँ पर जीरो है तो जीरो जीरो लिखाओ जीरो एक्स वन तो उसकी जगह आप इसको पुट भी कर दें तो सारा खत्म हो जाएगा लेकिन खैर यहाँ पर चूंकि ऐसा नहीं है एक्स वन का क्वेश्चन है वन बाई टू ये तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़रा करेक्शन करवा दूँ आपको ये लिखा है मैंने पहले इस रो को दोबारा लिख लिया सारा वन बाई टू एक्स वन आगे आ गया जीरो एक्स टू डैश आगे आ गया फाइव बाई फोर एक्स थ्री आगे आ गया वन इंटू एस वन ये आ गया माइनस वन बाई फोर एस टू और ये आ गया थर्टीन बाई फोर बी की जगह इसमें अब इसको थर्टीन बाई फोर बी नहीं लिख देना आपने ये बी सोलूशन कॉलम है इसकी जगह एक्स वन की जगह फोर माइनस एक्स वन डैश लिख देते हैं तो एक्स वन की जगह ये लिख दिया मैं बता रहा ये रहा था कि फर्द एक्स वन का जीरो हो तो जीरो के साथ ये सारा मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा जीरो तो इसलिए फिर आर वन को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है लेकिन यहाँ पर जो कि ऐसा नहीं है तो इसलिए हम दोनों रो को कंसिडर करेंगे ये मुझे मिस्टेक होगी तो इसलिए मैं इसको करेक्ट करवा रहा हूँ आपको तो एक्स वन की जगह लिख दिया फोर माइनस एक्स एक्स वन डैश ये जीरो खत्म हो गया ये फाइव बाई फोर एक्स थ्री आ गई ये सारा ऐसे आ गया ये वन बाई टू के साथ उसको कैंसिल आउट कर दिया ये रह गया टू टू को इधर लाकर माइनस कर दिया बाकी आ माइनस हाफ एक्स वन डैश ये बाकी सब कुछ ऐसे लिख दिया सारा ये एल सीम ने दिया टू द एट एट माइनस थर्टीन माइनस एट फाइव बाई फोर आ गया तो मेरे पास ये एक्स वन का कॉप्शन माइनस वन बाई टू एक्स थ्री काप्शन फाइव बाई फोर एस वन का कॉप्शन वन एस टू का कॉप्श् वन बाई फोर ये फाइव बाई फोर इन तमाम चीज़ों को मैं अपनी इस रो में यहाँ पर पुट कर रहा हूँ नए टेबल में तो मैंने यहाँ पर लिखा है ये देखिएगा जरा सो फ्राम फर्स्ट रो ऑफ टेबल नंबर फोर टेबल नंबर फो टेबल नंबर फोर की फर्स्ट रो यानी कि असल में वो मैं यहाँ पर लिखूंगा इसका नाम आपने रखा है सेवन इसका नाम चाहे आप एट रख लें तो आप लिखें फ्रॉम सेवन एट एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन डबल स्टार जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन डबल स्टार आपने निकाला ये वाला ये जिसमें सब्जीट्यूशन की है ये सब्जीट्यूशन आप टेबल नंबर फोर के बाद भी कर सकते हैं सब में पहले करने की जरूरत नहीं है पहले हाँ सॉरी इसलिए की है कि आपका ये जो नया वेरिएबल चेंज हो गया ना उसमें आपके नए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल कौन कौन से आ गए हैं एक्स वन डैश ठीक है तो इसकी जगह और जो चले खैर आप यहाँ पर सॉरी मैं आप ये सब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दोबारा यहाँ पर भी कर सकते हैं मकसद है ये जो आप, में, मैंने बनाने से पहले की है आप इसे टेबल बनाने के बाद भी सारी सब्जी कॉन्स्टेंट्स में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आप यहाँ पर टेबल के बाद भी कर सकते हैं सही है तो आपने सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन ये वाली क्वेश्चन नंबर एट जो अब मैंने ग्रीन मार्कर से नहीं बना के दिखाई आपको यानी ये वाली ये और अपने डबल स्टार से एक नया टेबल बनाया अब गौर से देखिएगा नए टेबल में वेरिएबल नए टेबल में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका है उसके वेरिएबल कौन कौन से हैं एक्स वन डैश एक्स टू डैश एक्स थ्री कॉफिशंट्स माइनस थ्री माइनस फाइव टू तो ये यही लिखे हैं मैंने माइनस थ्री माइनस फाइव टू बेसिज बेस में आप टेबल नंबर फोर को आप इस्तेमाल कर चुके हैं उसमें बेसिस आप बदल चुके हैं एस वन और एक्स टू डैश ये मेरे पास आ गई s1 और x2' डैश। अब नया वेरिएबल x1' डैश आ गया सब्स्टिट्यूशन करने के बाद x2' डैश पहले ही था x3 आ गया ये दोनों वेरिएबल पहले ही हैं ये b आ गया अच्छा यहाँ पर s1 का जो cb में लिखेंगे 0 है काओफिशिएंट x1' डै, x2' डैश, x2' डैश का काओफिशिएंट ऊपर कितना है -5 है ये -5 आ गया ये तो पहली रो है ये मैंने थोड़ी सी करेक्शन करवानी है आपको इसकी जगह ये लिखेंगे बस एक्स वन डैश के साथ कॉपिशन कौन है माइनस वन बाई टू यहाँ पर माइनस आ जाएगा पहली बात उसके बाद यहाँ पर लास्ट में फाइव बाई फोर है ये चेंज कर लें ये थर्टीन बाई फोर मैंने लिख दिया था ये फाइव बाई फोर आएगा बी की नीचे इसके बस ये बाकी ठीक है बाकी एक्स टू डैश के जो कॉफिशंस हैं वो यहाँ पर लिखेंगे वन बाई टू वन माइनस थ्री बाई फोर वन बाई माइनस वन बाई फोर ये सेकंड रो के हैं सारे आ गए एकवल टू फाइव बाई फोर ये फाइव बाई फोर आ गया लिख दिया अब इसके ऊपर आप लगाएं जी ये मल्टीप्लाई करके देखें तो ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको मिल गया जीरो इंटू दिस जीरो माइनस फाइव इन टू फाइव बाई टू आ गया जीरो इन टू जीरो जीरो आ गया माइनस फाइव आ गया ऊपर वाली सारी लोग को जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो छोड़ देंगे माइनस फाइव माइनस पंद्रह जीरो जीरो प्लस फाइव बाई फोर टोप्रो में इसको माइनस करते हैं माइनस थ्री माइनस फाइव बाई टू माइनस एलेवन बाई टू माइनस फाइव माइनस फाइव प्लस प्लस फाइव जीरो टू माइनस फिफ्टीन बाई फोर माइनस बाई फोर हो गया जीरो माइनस जीरो जीरो आ गया जीरो माइनस फाइव बाई फोर माइनस फाइव बाई फोर आ गया अब आप गौर करें कि आपके पास

एक्स टू डैश की कीमत फाइव एक्स वन डैश की कीमत अब बस वहाँ पर बेसिस में ये दोनों वेरिएबल मौजूद नहीं है कौन कौन से दोनों वेरिएबल मौजूद नहीं है यहाँ पर वेरेबल वे ले ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इस वक्त मौजूद मजूद ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पाँच वेरिएबल है एक है एक्स वन डैश एक है एक्स टू डैश एक है एक्स थ्री और एस वन और एस टू एक्स टू डैश और एस वन ये दोनों मौजूद हैं ये बेसिस में हैं इनको इनके अलावा बाकी जो बेसिस में नहीं है उनकी कीमत जीरो तो एक्स वन डैश की कीमत जीरो एक्स थ्री की कीमत जीरो एस टू की कीमत जीरो तो इन तमाम की कीमत आ गई जीरो के बराबर लेकिन मेरा जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था उसमें वेरिएबल मौजूद कौन कौन से थे शुरू में एक एक्स वन था एक वाई था एक एक्स टू था अपने क्वेश्चन की तरफ तो दोबारा पलट के जाएं आपके क्वेश्चन में ये तमाम वेरिएबल हैं एक्स वन वाई और एक्स थ्री सॉरी हाँ एक्स वन वाई और एक्स थ्री मुझे इनकी कीमत चाहिए असल में सही है चलें जी देखते हैं सबसे पहले देखते हैं हम एक्स वन की कीमत निकालने के लिए एक्स, एक्स वन की सब्जीट्यूशन आप ये करके आए हैं एक्स वन बराबर था फोर माइनस एक्स वन डैश ये अभी सब्जीटूशन किया ना आपने स्टार्ट अभी क्लोज ये करके आए थे भाई ये देखो ये तो ये मैंने यहाँ पर सब्जीट्यूशन इस्तेमाल की यहां पर देखो एक्स वन डैश की कीमत कितनी है जीरो क्यों जीरो है मैंने आपको बताया कि ये बेसिस में मौजूद नहीं है बेसिस में सिर्फ ये वेरिएबल मौजूद है एक्स वन और एक्स टू डैश तो इनकी कीमत ये फाइव बाई फोर फाइव बाई फोर है बाकी जो मौजूद नहीं है उनकी कीमत हमने जीरो लेनी है अच्छा

लास्टली अब मैंने एक सचुएशन शुरू में की थी मेरा वेरिएबल वाई रह गया वाई था एक्स टू प्लस सेवन के बराबर तो एक्स टू की कीमत कितनी निकली है एक्स टू कीमत निकली है सेवन बाई फोर आगे सेवन सेवन बाई फोर प्लस सेवन आंसर आ गया पैंतीस बड़ा चार अब मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो था वो ये था थ्री एक्स वन प्लस फाइव वाई प्लस टू एस थ्री देखो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन दो तरीकों से मालूम किया जा सकता है कि पहले आप जेड ट्रिपल प्राइम की कीमत मालूम करें फिर डबल डैश की कीमत मालूम करें फिर जेड डैश की कीमत मालूम करें फिर जेड की कीमत लेकिन ये काम लंबा है तो मैंने क्या किया मैंने ओरिजिनल वेरिएबल एक्स वन वाई और एक्स थ्री की कीमत मालूम कर ली है ये मालूम करने के बाद ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा उसमें इनकी कीमत पुट कर लेते हैं एक्स वन की कीमत फोर है वाई की कीमत पैंतीस वाला चार है एक्स थ्री की कीमत जीरो है इसको सोल्व किया तो आपके पास इसकी कीमत आ जाएगी की फाइनल टू ट्वेंटी थ्री बाई फोर ठीक है जी तो ये आपके पास बेटा क्वेश्चन है वीडियो की लेंथ जरूर इंक्रीज़ कर गई है मैं जानता हूँ लेकिन चूंकि क्वेश्चन ही काफ़ी लेंथी था और काफ़ी चीज़ें जरा डिटेल में आपको समझाइए तो वीडियो अच्छी लगी तो लाद में लाइक कर लीजिएगा शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी दुआओं में भी याद रखा करें अल्लाह हाफिज़ जी